प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज 123 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 11,368। जयपुर की अगर बात करें 40 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। भरतपुर में 34, सीकर में 11, पाली में भी 11, झुंझुनू में 9, नागौर की अगर बात करें 5 कोरोना पॉजिटिव यहां से सामने आए। कोटा में 3, अलवर में 2, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, श्रीगंगानगर और झालावाड़ में 1-1 पॉजिटिव मिले। बाहरी राज्यों के 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में आज कोरोना से 1 मरीज की जान गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 256 लोगों की जान जा चुकी है। आज राजस्थान में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा 256 पहुंच चुका है। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 11,368 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। जयपुर में आज सबसे अधिक यानी कि 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 256 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। आज राजस्थान में 1 मरीज की मौत हुई। श्रीगंगानगर और झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। बाहरी राज्यों के भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक 256 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। लगातार प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। 123 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं। इसी के साथ 11,368 संख्या हो चुकी है। जयपुर में आज 40 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। पाली में 11, झुंझुनू की अगर बात करें 9 कोरोना पॉजिटिव यहां से सामने आए। अलवर में 2, लगातार संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। बाहरी राज्यों से आने वालों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं, क्योंकि एकदम से जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या में उछाल आ रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लेना बहुत अहम था। यहाँ पर 11,368 ये संख्या हो चुकी है। अधिक अपडेट के लिए झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, लगातार देखें आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, क्या अपडेट फिलहाल है, किस प्रकार के इंतजाम हैं? जी मनीषा, बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। आज सुबह सुबह भी कोरोना के कुल 7 पेशेंट जो झुंझुनू के अंदर मिले, जिसके अंदर 4 सूरजगढ़ विधानसभा के कोरोना पॉजिटिव पाए गए और शेष 3 झुंझुनू के आसपास के मिले, जिसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 183 संख्या है जो कोरोना पॉजिटिव की हो गई है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो रिकवरी मिल रही है झुंझुनू के अंदर वो काफी सराहनीय मिल रही है। अब तक 153 लोग है जो रिकवर होकर नेगेटिव होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जी सुजीत, ये बताएं, देखिए ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा मिल रहे हैं या फिर बाहर से आने वाले लोगों में ये पॉजिटिव मिल रहा है? क्योंकि अभी तो खैर बंद कर दी गई है प्रदेश की सीमाएं, लेकिन पहले जो लोग आए हुए थे वो बाहर से आने वाले या फिर झुंझुनू के निवासी थे, उनमें ही ये पॉजिटिव निकल कर सामने आ रहे हैं? जी मनीषा, आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव केस मिल रहे थे वो ज्यादातर बाहर से आने वाले मिल रहे थे, लेकिन सरकार ने एक आदेश जारी करके बॉर्डर की सीमाएं वो फिर से सील कर दी गई है। झुंझुनू के अंदर भी आ रहे हैं, बॉर्डर की सीमाएं पूर्ण रूप से एसपी ने जेसी शर्मा ने आदेश करके सील कर दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो कम होती है। जी बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 256 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। लगातार प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ा फैसला सरकार ने यहां पर लिया है। 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पाली से हमारे संवाददाता मनीष राठौर फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट मिल पा रही है पाली से? देखिए आंकड़े हैं उनमें तो बढ़ोतरी लगातार हो ही रही है, कितने लोग रिकवर भी हो पा रहे हैं? मनीषा, बता देना चाहूंगा कि आज सुबह 10:30 बजे की रिपोर्ट के बाद 11 पॉजिटिव और आए हैं, जिसमें पाली शहर में 3, जंगीवाड़ा से 1, जोधपुरियाबाद से 1, सोसाइटी नगर से और 6 ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं मनीषा। और बता देना चाहूंगा कि कल 26 लोग गाजनगढ़ टोल नाके से कर्मचारी लोग आए हैं। जी बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कोरोना के आंकड़े जिस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तमाम एहतियात भी बढ़ती जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला भी सरकार की ओर से लिया गया है। दो सौ छप्पन लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। लगातार प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी लगातार आंकड़ों में दर्ज की जा रही है।
खुद सूबे के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और लगातार तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उन पे नजर बनाए हुए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उस पे भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं, तमाम इंतजाम जो हैं उन पे नजर बनाए हुए हैं लगातार। और इसी के बीच ये अहम फैसला भी आज लिया गया है कि प्रदेश की जो सीमाएं हैं उन्हें 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे थे उनमें कोरोना का जो संक्रमण है वो ज्यादा पाया जा रहा था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंकड़ों में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई है तो उसका मेन कारण वही, और इसी को देखते हुए जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं ताकि बाहर से किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण राज्य में आ ना पाए, क्योंकि फिलहाल जो एक्टिव केसेस हैं उन्हें संभालना, उन्हें रिकवर करना एक बड़ी चुनौती है, उन्हें रिकवर करना बहुत जरूरी है। और इसी बीच अगर बाहर से और आएंगे तो जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी, इसीलिए ये अहम फैसला लिया गया है। ग्यारह हजार के पार हो चुकी है मरीजों की संख्या, 11,368 ये आंकड़ा हो चुका है। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है कोटा से? देखिए, आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कितने लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं और कितने एक्टिव केसेस कोटा से फिलहाल? अगर मनीषा बात की कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े की बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। अगर कुल टोटल कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 534 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोटा शहर में सामने आ चुके हैं। साथ में अगर एक बात ये भी करें, कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो संभाग के जो भी कोरोना पेशेंट संक्रमित लोग हैं वो यहाँ पर ही उनका इलाज चल रहा है। और डिस्चार्ज लेवल की अगर बात करें तो डिस्चार्ज लेवल कोटा का बहुत अच्छा है और उसमें काफी अच्छा कार्य हो रहा है। साथ में अब तक 500 से लगभग 500 लोगों को यहाँ से कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आ रही थी उनकी, उनको नेगेटिव आई है। और कई ऐसे भी मरीज हैं जिनकी 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। 450 से अधिक लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से ये आंकड़ा बहुत अच्छा है और लोग यहाँ से, रात की खबर यही है कि लगातार लोग जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो लगातार डिस्चार्ज होते चला जा रहे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कोरोना के मरीजों में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, रिकवरी रेट काफी अच्छी है, लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ये तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये जो संक्रमण है उसको बढ़ने से रोका जाए, और इसीलिए तमाम एहतियात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चिकित्सा विभाग लगातार मुस्तैद होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और इसीलिए उनकी चुनौतियों को, उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए 7 दिन के लिए जो प्रदेश की सीमाएं हैं वो भी सील कर दी गई हैं। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, क्योंकि प्रदेश में 256 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आज राजस्थान में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई और साथ ही बाहरी राज्यों के भी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अचानक से जिस प्रकार से उछाल सामने आया है कोरोना संक्रमितों की संख्या में, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए बन गया है। और इसीलिए लगातार जो कदम है, जो जनहित में जन सहूलियत के हिसाब से जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि संक्रमण के बढ़ने के साथ साथ चुनौतियां जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों की जो संख्या थी उसको मेंटेन कर रखा था, लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रवासियों का आने जाने का दौर जारी था, ये जो संक्रमण है उसकी संख्या में बढ़ोतरी, यहाँ पर आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी को देखते हुए अहम फैसला जो है वो भी लिया गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आज प्रदेश में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई और लगातार ये आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरह से बात करें तो प्रदेश में आज जोधपुर के साथ साथ जयपुर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। जयपुर में 1 5 साल की बच्ची की कोरोना पॉजिटिव से मौत हुई है। तो वही साथ साथ बात करें तो प्रदेश में अब तक
जो 256 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें अब तक जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 11,368 हो चुकी है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो अच्छी कही जा सकती है, जिस तरह से प्रदेश में आज 176 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, तो वहीं अब तक की बात करें तो 8,502 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि डिस्चार्ज की बात करें तो 8,152 कोरोना के जो पॉजिटिव केस थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लगातार जो रात भरी खबर यही है कि करीब 75% की दर से लगातार जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव ठीक हो रहे हैं, तो ये एक रात भरी खबर कही जा सकती है। हालांकि जो खतरा अभी भी टला हुआ नहीं है, और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन जो बात करें तो 30 जून तक तकरीबन 20,000 कोरोना पॉजिटिव जो केसेज है वो राजस्थान में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। वैसे में चिकित्सा विभाग और जो जिला प्रशासन की ओर से तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभाग के अधिकारियों से और साथ ही जिला कलेक्टर्स को वीसी के जरिए निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोका जाए, और जो आम जनता से जिस तरह से जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का जो कोरोना का खतरा है उसको रोका जाए। इन सभी तमाम बातों को लेकर जिला कलेक्टर्स और CMHO अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण को किसी न कैसे तरीके से रोका जा सके और आम जनता को इससे बचाया जा सके। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 7 दिन के लिए प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बहुत अहम फैसला राज्य सरकार की ओर से ये लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल आया, कहीं ना कहीं एक कड़ा कदम उठाना, एक महत्वपूर्ण फैसला लेना जरूरी था।